वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक अकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं हूं नवनीत और मैं आपके लिए लेके आया हूं हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में हाईवे इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में जाना था कि हाईवे इंजीनियरिंग के तहत हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो हाईवे इंजीनियरिंग के सिलेबस को हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। अब हम लोग आज हाईवे इंजीनियरिंग के तहत अपना यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो इसके तहत हम लोग आज सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ रोड के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा देश है इसमें रोड की शुरुआत कहाँ से हुई थी, है ना। रोड कब बनना शुरू हुआ, रोड का जो स्टार्ट है कहाँ से रोड हुआ, मतलब ये रोड जो हमारा टर्म है ये कैसे शुरू हुआ, कैसे रोड स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो अगर हम लोग रोड की बात करते हैं तो जो सड़क है बच्चों ये शुरुआत हुई थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, मोहनजोदड़ो सभ्यता पढ़ा है, उसी टाइम से हमारी सड़क है उसका जो निर्माण है या फिर हम लोग विकास कह सकते हैं उस टाइम पे ही हो चुका था। तो हम लोगों ने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा तो उस टाइम से ही जो हमारी रोड है इसकी शुरुआत हिस्ट्री है वहीं से देखने को मिलती है। तो उस टाइम से ही जो हमारा सड़क है वो यूज में आया करता था। उसके बाद की अगर बात करें तो जो हमारा रोड है बच्चों इसकी शुरुआत हुई थी पगडंडी से, है ना। मतलब जैसा कि आप ये सड़क देख रहे हैं, जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ रोड की बात करते हैं, तो उस टाइम पे सबसे पहले इस तरह की सड़क नहीं बनी थी, है ना। सबसे पहले जो सड़क बनी थी वो एक पगडंडी के फॉर्म में बनी थी। पगडंडी कहने का मतलब है कि जो मिट्टी की एक पतली सी जो रोड होती है ना उसे ही हम लोग पगडंडी कहते हैं, जिसपे आप लोग मतलब बमुश्किल पैदल चल सकते हैं। उस पर कोई भी व्हीकल्स, चाहे वो बाइक हो या फिर साइकिल कर सकते हैं, अगर वो प्लेन रही तो साइकिल चला सकते हैं, है ना। लेकिन बेसिकली वो पैदल चलने के लिए ही बनाया जाता था। तो जो रोड की शुरुआत हुई थी, हिस्ट्री था रोड का, वो थी पगडंडी से। धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो फिर पगडंडी से आगे बढ़ के जो हमारा रोड है कच्ची मिट्टी की बनने लगी, है ना। तो उसके बाद हमारा जो सेकेंड चेंज आया, सेकेंड फॉर्मेशन आया, वो मिट्टी की कच्ची सड़क बनने लगी। उसके बाद जब और धीरे धीरे समय बदला तो फिर थोड़े कुछ कुछ और अलग अलग तरह के मटेरियल का यूज़ करके, जो कि उससे थोड़ा जो कच्ची मिट्टी की रोड थी उससे थोड़ा इम्प्रोवाइज था। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हमारा रोड का धीरे धीरे आगे विकास होता चला गया। क्लियर है? अब हम लोग आज हिस्ट्री ऑफ रोड के तहत ये जानेंगे कि हमारे देश में जो रोड की शुरुआत हुई थी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो कब हुई थी। तो हमारे देश में जो रोड की शुरुआत हुई थी वो इंडियन हिस्ट्री के तहत वो हुई थी मौर्य एम्पायर में। मौर्य एम्पायर में जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे कौटिल्य, उन्होंने रोड का निर्माण करवाया था, जो कि 300 BC के अंतर्गत, मतलब 300 BC में सबसे पहले इंडिया में हमारे देश में रोड का निर्माण हुआ था। कहाँ पे? बेसिकली वो जो रोड है हमारे शहर पटना से कनेक्टेड था। क्लियर है बच्चों? तो कौटिल्य थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, जो कि मौर्य एम्पायर के थे, है ना। इन्होंने ही रोड का निर्माण करवाया था सबसे पहले। ये जो हमारा रोड बना था ये नेशनल हाईवे था और कनेक्टिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रॉन्टीज प्रोविंस एंड पटना, पटना को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से कनेक्ट करता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा मौर्य एम्पायर था उस टाइम पे कितना बृहद फैला हुआ था। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे भारत पे, इधर पूरे पाकिस्तान, जो हमारा म्यांमार है, पूरा जो है मौर्य एम्पायर भरा हुआ था। इस साइड में पूरा जो आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान, इराक, ये पूरे जो है क्या थे, मौर्य एम्पायर के अंतर्गत आते थे, है ना। तो मौर्य एम्पायर के तहत इन सभी जगह पे बेसिकली जो पटना है यहाँ से कनेक्ट करके सब जगह रोड जो है वो बनाया गया था। क्लियर है बच्चों? तो मौर्य एम्पायर के तहत हमारा इंडिया का, हमारे देश भारत का पहला रोड का निर्माण किया गया था। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मौर्य एम्पायर के बाद हम लोग बात करते हैं रोड की, तो हम लोग पढ़ेंगे सिल्क रोड, मतलब उसके बाद सिल्क रोड का निर्माण हुआ था। इसे हम लोग सिल्क रूट भी कहते हैं, सिल्क रोड भी कहते हैं। तो जो सिल्क रोड की शुरुआत हुई थी, बेसिकली जो हमारा एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, इसके जो अलग अलग देश हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए सिल्क रोड का निर्माण कराया गया था। सिल्क रोड जो है बेसिकली सिल्क
रेशम रोड भी इसे कहते हैं, रेशम के व्यापार के लिए इस रोड को बनाया गया था, है ना। ये एक कनेक्टिविटी थी जिसके तहत रेशम का व्यापार किया जाता था। बेसिकली इससे सिर्फ रेशम का ही व्यापार नहीं होता था, रेशम के अलावा भी और भी कई सारी चीजों का व्यापार इससे इसके थ्रू किया जाता था। क्लियर है बच्चों? तो आप देख सकते हैं कि सिल्क रोड के तहत जो आपका अफ्रीका है, सॉरी जो आपका यूरोप कंट्री है, अफ्रीका है और एशिया है, इन सभी देशों में ये हमारा सिल्क रूट जो है, सिल्क रोड है, वो फैला हुआ था। क्लियर है बच्चों? तो जो सिल्क रोड है ये हमारा ओवरलैंड सिल्क रोड है, मतलब लैंड से भी कनेक्टेड था और मैरिटाइम सिल्क रोड भी था, मतलब वाटर से भी कनेक्टेड था। तो दोनों का अपना अलग अलग सिल्क रूट था। क्लियर है बच्चों? लेकिन ये जो सिल्क रोड था ये उस टाइम का था, है ना। लेकिन अभी की बात करें तो इसी सिल्क रोड को, इसी सिल्क रूट को दोबारा स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, है ना। तो उस सिल्क रूट को दोबारा से डेवलप किया जा रहा है चाइना और पाकिस्तान के द्वारा, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ग्रैंड ट्रंक रोड की, जिसे हम लोग जीटी रोड कहते हैं। ये जो जीटी रोड है ये भारत की सबसे पुरानी रोड है ना, और अभी भी वर्तमान में ये रोड क्या है, वर्किंग कंडीशन में है और सबसे बेस्ट कंडीशन में भी हम लोग कह सकते हैं। ये जो रोड है कोलकाता से लेकर के लाहौर तक, मतलब पाकिस्तान के पेशावर तक कनेक्ट किया हुआ था, इसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने। क्लियर बच्चों? जो भारत के अफगानी शासक थे शेरशाह सूरी, इन्होंने 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में इस रोड का निर्माण करवाया था, जो कि कोलकाता से लेकर के लाहौर तक इस रोड का जो था पूरा लंबाई था। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड। इसी रोड को आगे चल के हमारे सरकार के द्वारा इसे बढ़ाया गया और इम्प्रोवाइज किया गया, और आज भी ये रोड जो है वर्किंग कंडीशन में है, बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। क्लियर है बच्चों? तो इसी रोड को हम लोग आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? ये जो हमारा रोड है बच्चों, ये सबसे पुराना रोड है ना, क्या है, सबसे पुराना रोड है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे पुराना रोड है हमारा, ये लगभग 3000 साल पुराना रोड है, जो कि 204 BC से लेकर के 2021 तक भी ये करंट कंडीशन में है ना। तो आप उस समय देख सकते हैं कि रोड का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, और आज के टाइम पे आप देखिए कि रोड का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये हमारा रोड का क्या था बच्चों, कुछ इतिहास था। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं कि 1865 ईस्वी में जो हमारा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था, उसे हम लोग अभी वर्तमान में सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मतलब CPWD के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1865 में। ये जो हमारा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, जिसे हम लोग CPWD बोलते हैं, बेसिकली रोड के निर्माण के लिए, उसके विकास के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था, गठन किया गया था। क्लियर है बच्चों? उसके बाद 1928 ईस्वी में जैकर कमेटी का निर्माण किया गया, जिसका जो चेयरमैन थे वो MR जैकर थे, है ना। तो ये जो हमारी जैकर कमेटी है, इसका निर्माण बेसिकली रोड के ट्रांसपोर्ट को और रोड के डेवलपमेंट को करने के लिए किया गया था। इसके तहत जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको दूर करने के लिए और रोड के सर्वांगीण विकास के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जो है जैकर कमेटी का निर्माण किया गया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसी जैकर कमेटी के अंतर्गत ही 20-year रोड प्लान्स का शुरुआत किया गया था, जिसके तहत हम लोग सबसे पहले अपना नागपुर रोड प्लान, उसके बाद बॉम्बे रोड प्लान, देन लखनऊ रोड प्लान पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? इसके बाद 1930 ईस्वी में सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत किया गया, इसे हम लोग CRO के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस का स्थापना किया गया, जो कि एक सेमी गवर्नमेंटल बॉडी थी, जो कि रोड के डेवलपमेंट को, उसके मेंटेनेंस को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1939 में, जब रोड का जो सारा डेवलपमेंट है वो सही तरीके से होने लगा, उस पर गाड़ियां दौड़ने लगी, तब फिर मोटर व्हीकल एक्ट स्टार्ट हुआ 1939 ईस्वी में। इसके बाद फिर 1943 ईस्वी में
नागपुर में जो भी चीफ इंजीनियर्स थे उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ और उनके सारे कॉन्फ्रेंस के बाद एक डिसीजन निकला। उसी के बाद 20 ईयर रोड प्लान्स जो है वर्किंग कंडीशन में आया और 1943 में ही जो है सबसे पहले हमारा नागपुर रोड प्लान का शुरुआत हुआ। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि अलग अलग ईयर्स में घटित हुए थे, है ना। 1951 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ जिसका कि हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और 1956 में नेशनल हाईवे एक्ट लागू हुआ। क्लियर है बच्चों? उसके बाद बात करते हैं 1960 ईस्वी में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग BRO के नाम से जानते हैं, BRO की स्थापना हुई जिसके जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली हमारे देश का जो भी आउटर स्टेट है जो कि किसी न किसी देश से बाउंड्री को शेयर करता है ना, उस स्टेट में जो भी रोड का निर्माण होता है बॉर्डर पे वो सभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है। क्लियर है बच्चों? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बतलाता हूँ कि जो हमारा लद्दाख का क्षेत्र है वहां पे जो भी रोड निर्माण होता है वो सभी रोड क्या होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंजीनियर्स होते हैं उनके द्वारा निर्माण किया जाता है ना। ये मैंने आपको एक लद्दाख का एग्जांपल दिया। जो भी हमारे स्टेट हैं जो किसी किसी ना देश से बाउंड्री शेयर करते हैं उन सभी जगह पे जो रोड का निर्माण होता है वो सभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही होता है। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग। अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ रोड के बारे में पढ़ा था कि रोड की हिस्ट्री क्या रही है, हमारे देश में रोड की शुरुआत कहां से हुई, कैसे रोड बनना स्टार्ट हुआ। अब हम लोग इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि यह हाईवे इंजीनियरिंग क्या है। तो बेसिकली जो हाईवे इंजीनियरिंग है ये क्या है बच्चों, ये एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पार्ट है। जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो अलग अलग है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हमारा एयरवेज है, वाटरवेज है एंड रोडवेज है। तो एयरवेज में हम लोग एरोप्लेन के बारे में बात करते हैं, अगर हम लोग वाटरवेज के बारे में बात करते हैं तो फिर हम लोग जो भी हमारे शिप हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग जब रोडवेज की बात करते हैं तब फिर रोडवेज में ही हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारा हाईवे इंजीनियरिंग है ये रोडवेज का पार्ट है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं इसके पढ़ने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, है ना, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बच्चों हाईवे इंजीनियरिंग हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्योंकि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो सबसे ज्यादा उस देश के रोड पे निर्भर करता है। अगर उस देश में रोड की नेटवर्क अच्छी होगी, अच्छी सड़कें होंगी, तभी वहां पे अलग अलग जो है उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो पाएगा, क्योंकि जो हर चीज की कनेक्टिविटी है वो रोड के थ्रू ही होती है। अगर सही तरीके से रोड का डेवलपमेंट होगा, अगर सही तरीके से सड़क का निर्माण होगा, तभी वहां पे और सभी चीजों का विकास हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री का जो ओवरऑल ग्रोथ है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो हाईवे के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे सर हाईवे के कंस्ट्रक्शन पे ही क्यों डिपेंड करता है, इसलिए करता है बच्चों क्योंकि जो हमारा हाईवे है ये हमें डोर टू डोर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। डोर टू डोर कनेक्टिविटी कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मैं आपसे अगर कहता हूं कि आपको अभी बिहार से मुंबई जाना है, कहाँ जाना है बच्चों, मुंबई जाना है, मुंबई में आपका दोस्त रहता है, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, यहां से या तो आप पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ेंगे और सीधे ही मुंबई जो है फ्लाइट से लैंड करेंगे। तो वो जो आपकी फ्लाइट है वो कहाँ लैंड करेगी, मुंबई की एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, वो डायरेक्टली आपके दोस्त के घर के बाहर तो लैंड करेगी नहीं। तो आपको मुंबई एयरपोर्ट से भी आपके दोस्त के घर जाने के लिए सड़क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप मुंबई एयरपोर्ट पहुंच भी गए, मुंबई एयरपोर्ट से आपके दोस्त के घर की दूरी मान लीजिए 20 किलोमीटर है और उसके बीच में कोई रोड की कनेक्टिविटी है ही नहीं, तो क्या आपने दोस्त के पास आप पहुंच पाएंगे इजिली, पहुंच तो जाएंगे किसी भी तरह लेकिन इजिली नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे हाईवे की मदद से, हाईवे इंजीनियरिंग की मदद से हम लोगों ने क्या पाया, डोर टू डोर कनेक्टिविटी पाया। जैसे कि
अभी आप यहाँ से पहले पटना एयरपोर्ट जाएंगे तो अपने घर से पटना एयरपोर्ट जाने के लिए आपको रोड कनेक्टिविटी चाहिए होगी। पटना एयरपोर्ट से आप मुंबई एयरपोर्ट पहुँच गए, फिर वहाँ से आपको अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए फिर आपको रोड कनेक्टिविटी चाहिए। तो रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से ही हमें डोर टू डोर कनेक्टिविटी मिल पाता है। क्लियर है बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि जो हाईवे इंजीनियरिंग है वो हर दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग में बेसिकली जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके पहले अलग अलग जगह पे रोड का सर्वे किया जाता है, उनके मटेरियल का टेस्टिंग किया जाता है, सॉइल का टेस्टिंग किया जाता है, उसके बाद अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करते हुए रोड का निर्माण किया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये है हमारा हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग के तहत हम लोग अलग अलग टाइप्स के रोड बनाते हैं, है ना, चाहे वो हमारा बिटुमिनस का रोड हो, चाहे वो हमारा सीमेंट कंक्रीट का रोड हो, है ना, चाहे वो हमारा प्लास्टिक का रोड हो, चाहे वो हमारा रबर का रोड हो, है ना, अलग अलग मटेरियल्स के हिसाब से अलग अलग टाइप्स का हम लोग रोड बनाते हैं। तो हाईवे इंजीनियरिंग के तहत हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रोड की, कि हमारा रोड क्या होता है। तो कोई भी हार्ड सरफेस, क्या बच्चों, कोई भी हार्ड सरफेस जिसके ऊपर से कोई भी व्हीकल जो है इजिली मूव कर सकता है लोड को कैरी करके, वही हमारा रोड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रोड कहलाता है ना। जैसे कि हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, है ना, तो मान लीजिए हम लोग कोई गांव जा रहे हैं शहर से, तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ उस गांव में रोड बना हुआ है क्या। तो रोड बना हुआ है क्या का क्या मतलब है कि उस गांव में जो सड़क बनी है वो अच्छी बनी है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग गाड़ी से जाएंगे तो वहां पे एक स्मूथ सरफेस है जो इजिली अपने लोड को कैरी करते हुए आप जा सकते हैं वहां पे। तो कहने का मतलब क्या है कि रोड हमें एक बेटर कन्वीनियंस प्रोवाइड कराता है ताकि जो है आप अपने व्हीकल्स के थ्रू इजीली उस पर मूव कर सके, है ना, स्मूथ राइडिंग कर सके। तो ये हमारा रोड है। बेसिकली रोड एक हार्ड सरफेस होता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों कि ये हमारा रोड है। बेसिकली ये रोड है एक हार्ड सरफेस है जो व्हीकल को एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराता है उसके उसको मूव कराने के लिए, राइडिंग के लिए। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा रोड है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पेवमेंट की। तो पेवमेंट क्या होता है? पेवमेंट बेसिकली नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड किया होता है ना, क्योंकि जो रोड होते हैं रोड में ही, रोड को ही मतलब जो है हम लोग अगर कंप्लीट कर दें, इसके सारे लेयर्स को कनेक्ट कर दें, इसको जोड़ दें, तो ये फिर पेवमेंट कहलाता है ना। तो इस पेवमेंट में अलग अलग लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग लेयर्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो रोड है ये अलग अलग लेयर्स के निर्माण से बनता है। मतलब एक रोड के निर्माण में हमें अलग अलग पहले लेयर को बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर तब जाकर कंप्लीट रोड का निर्माण होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये जो सारे लेयर हैं इन सभी लेयर्स को मिला करके पेवमेंट बनाया जाता है। क्लियर है? तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ऊपर आपका सरफेस कोर्स है, उसके बाद बेस कोर्स है, उसके बाद सब बेस कोर्स है, और सबसे बॉटम में जो आप देख रहे हैं ये आपका सब ग्रेड कोर्स है। क्लियर है बच्चों? तो ये जो हमारा पेवमेंट होता है ये नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइडेड होता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाईवेज की। तो हाईवेज क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का रोड होता है जो कि हाई स्पीड व्हीकल को मूव कराने के लिए बनाया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये जो हाईवे है रोड का ही इंप्रूव्ड वर्जन है, जिसमें हम व्हीकल को हाई स्पीड पे क्या कराते हैं, मूव करा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्या कहलाता है? हाईवे कहलाता है। हाईवे के अंतर्गत ही आगे हम लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ हाईवे के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, है ना, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सप्रेसवेज के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा है हाईवेज। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया। हमारे देश में रोड का क्या इंपॉर्टेंस है? तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में रोड का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर रोड की कनेक्टिविटी सही नहीं होगी तो फिर देश का
कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो रोड जो है हर दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो एक रोड का पूरा नेटवर्क बना हुआ है किस तरीके से बना हुआ है ना। अगर शहर में सही तरीके से रोड की कनेक्टिविटी नहीं हो तो फिर क्या होता है, शहर में जो हर चीज़ की सुविधा होते हुए भी उसका सही तरीके से क्या हो पाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है, उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। क्लियर है बच्चों। तो रोड डेवलपमेंट जो क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, है ना। तो रोड डेवलपमेंट के तहत ही हम लोग क्या करते हैं, रोड को कनेक्ट करते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से लेकर के विलेज तक, या फिर कंट्री के कैपिटल से लेकर के अलग अलग स्टेट तक, है ना। तो रोड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग हाईवेज का निर्माण करते हैं, और अलग अलग हाईवेज के निर्माण के थ्रू हम लोग एक स्टेट को दूसरे स्टेट से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं रोड के माध्यम से, और सारे अलग अलग स्टेट को कंट्री के कैपिटल से भी कनेक्ट करते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे रोड डेवलपमेंट का क्या है, इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद जो हमारा रोड है ये एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, किसके लिए, गुड्स के लिए भी और पीपल के लिए भी। मतलब रोड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खुद भी जा सकते हैं और गुड्स को भी भेज सकते हैं। क्लियर है। रोड जनरेट्स द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोड की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, रोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये कुछ, और रोड जो है डिफेंस पर्पज से भी यूज किया जाता है। डिफेंस पर्पज के मतलब मैं आपको बता दूं, अभी अभी हमारे पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है जिसपे अभी अभी टेस्टिंग की गई थी, उसपे फाइटर प्लेन को लैंड करा करके, है ना। तो आपातकालीन स्थिति में जो भी हमारे लड़ाकू विमान है उन सभी को एक्सप्रेसवे पे लैंडिंग और उसपे उसकी जो है उससे वहां पे टेक ऑफ भी किया जा सकता है। इस तरीके के लिए उन सभी रोड को तैयार करके बनाया जा रहा है ना, विपत मतलब आपातकालीन स्थिति के लिए। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा रोड का इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जैकर कमिटी की। तो जब इंडिया में धीरे धीरे देश का विकास होने लगा, मतलब रोड की कनेक्टिविटी बढ़ने लगी, तो रोड को सही तरीके से डेवलप करने के लिए, सही कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए जैकर कमिटी का निर्माण किया गया। किनका निर्माण किया गया बच्चों, जैकर कमिटी का निर्माण किया गया, है ना। ये रोड ट्रांसपोर्ट को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको दूर करने के लिए और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए जैकर कमेटी का निर्माण किया गया। क्लियर है। तो रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसिडरेबल एज द नेशनल इंटरेस्ट, मतलब जैकर कमेटी के तहत जो रोड का डेवलपमेंट है उसको एज अ नेशनल इंटरेस्ट की तरह उसे कंसिडर किया गया, है ना। पार्टिसिपेशन ऑफ फंड फॉर द रोड डेवलपमेंट, रोड के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सोर्सेस से फंड को इकट्ठा किया गया, है ना। एंड एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी चार्ज ऑन पेट्रोल एंड डीजल फॉर रोड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, जो पेट्रोल और डीजल था उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया गया, ताकि एक्स्ट्रा चार्ज लगाने से गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट होगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उसका वो रोड के डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर पाएंगे, उससे रोड का सही तरीके से विकास हो पाएगा। उसके बाद सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ 1930 ईस्वी में। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अ टेक्निकल बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश फॉर द डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, एक टेक्निकल बॉडी की स्थापना की गई डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन के लिए, जिसे हम लोग इंडियन रोड कांग्रेस कहते हैं, जिसकी स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एस्टैब्लिश फॉर न्यू रोड, नए रोड के लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया, जिसे हम लोग सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। इनकी स्थापना 1950 ईस्वी में ईयर में हुई थी। क्लियर है। जो जैकर कमेटी थी वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दी किस पे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे। मतलब जो जैकर कमेटी का जो मेन फोकस था वो था लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रोड की मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी के तहत यहाँ पे एक निचोड़ निकला, एक कंक्लूजन निकला, जो कि हमारा 20 ईयर रोड प्लान्स कहलाता है। तो जैकर कमेटी के द्वारा ही 20 ईयर रोड प्लान्स की शुरुआत की गई थी। तो इसके तहत हम लोग 20 ईयर रोड प्लान्स पढ़ेंगे।
अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ रोड की जो हिस्ट्री है, मतलब रोड की जो शुरुआत है, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स है उसके बारे में। तो हम लोग बात करने वाले हैं रोड, रोमन रोड्स के बारे में, है ना। तो रोमन रोड्स बच्चों क्या है, जो रोमन जो हमारा रोमन रोड्स है बच्चों, इसमें हम लोग रोड के बेसिकली फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जब हमारा रोड का निर्माण शुरू हुआ तो उसमें रोड के फाउंडेशन को किस तरीके से बनाया गया। क्योंकि जो रोड का फाउंडेशन है बेसिकली इंडिया में भी जो रोड की शुरुआत हुई थी वो उसका काफ़ी कुछ जो पार्ट है इन सभी चीज़ों से लिया गया था। तो हम लोगों को रोमन रोड्स के बारे में भी पढ़ना क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है। क्लियर है बच्चों। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं रोमन रोड्स के बारे में। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमन सिविलाइजेशन मेनी रोड्स वर बिल्ड ऑफ स्टोन ब्लॉक्स एंड कंसिडरेबल थिकनेस। तो जब हम लोग रोमन रोड्स के बारे में बात करते हैं तो ये रोमन सिविलाइजेशन के तहत आता है, जिसमें जो रोड का निर्माण किया जाता था वो स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके वहाँ पे रोड का निर्माण किया जाता था। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रोमन रोड कहलाता है। रोमन रोड के तहत जो भी रोड बनते थे उसकी जो थिकनेस थी रोड के लेयर की वो बहुत ही ज़्यादा होती थी। अप्रोक्सीमेटली वो 0.75 मीटर से लेकर के 1.2 मीटर तक की रोड की थिकनेस होती थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये थिकनेस जो है रोड की होती थी। क्लियर है बच्चों। तो ये जो हमारे हमारा रोमन रोड्स कहलाते हैं, है ना। तो रोमन रोड्स के तहत कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो ये रोड होते हैं ये स्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ ग्रेडियंट्स के तहत होते हैं, है ना। दे वर बिल्ट आफ्टर सॉफ्ट सॉइल वाज रिमूव्ड एंड अ हार्ड स्ट्रैटम वाज रिच। जो भी सॉफ्ट सॉइल होता है उसको रिमूव कर देते हैं और वहां पे हार्ड स्ट्रैटम को क्या बोलते हैं, हार्ड स्ट्रैटम तक पहुंच जाते हैं, है ना। जो टोटल थिकनेस होती है इसके कंस्ट्रक्शन की वो अप्रोक्सीमेटली 0.75 से लेकर के 1.2 मीटर तक की होती है। बेसिकली इन थिकनेस को वहां पे क्या करते हैं, हम लोग स्टोन को प्लेस करते हैं। क्लियर है बच्चों। ताकि जो व्हील लोड्स है वो क्या हो, अच्छे तरीके से वो बियर कर सके। द वियरिंग कोर्स कंसिडर्ड ऑफ ड्रेस लार्ज स्टोन ब्लॉक्स सेट इन द लाइम मोटर। लाइम मोटर का यूज करके जो भी स्टोन के ब्लॉक्स यूज किए जाते थे वो उसको सही तरीके से वहां पे प्लेस किया जाता था। तो आप सोचिए बच्चों, इमेजिन करिए कि अगर रोड में इस तरीके का फाउंडेशन यूज किया गया जो कि 0.75 से लेकर 1.2 मीटर डीप हो, इतनी थिकनेस हो, तो रोड की ड्यूरेबिलिटी कितनी अच्छी रहेगी, है ना। तो आज भी जो है ये रोड जो है इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिसगार्ड कंस्ट्रक्शन की। जो रोमन रोड्स है उसके बाद जो रोड के फाउंडेशन में डेवलपमेंट हुआ वो आया ट्रिसगार्ड के थ्रू। तो जो ट्रिसगार्ड थे ये 1716 से लेकर 1796 ईस्वी के बीच में ये जो ट्रिसगार्ड थे ये कंस्ट्रक्शन मेथड को स्टार्ट किए थे, डेवलप किए थे। तो ये जो है एक इम्प्रूव्ड मेथड है किससे, रोमन रोड से, है ना। ये एक फ्रांस के इंजीनियर थे जिन्होंने इस तरीके की टेक्निक को बताया। तो ये जो हमारे ट्रेसगार्ड थे इनके तहत इन्होंने बताया कि जो रोड का कंस्ट्रक्शन है उसमें थिकनेस को उतना ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। रोड के थिकनेस को हम लोग 30 सेंटीमीटर तक भी अगर रखेंगे तो भी हमारा रोड जो होगा ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद इन्होंने जो रोड की जो फाउंडेशन है, जो सबग्रेड है, उसमें मॉइस्चर के कंडीशन के बारे में भी बात की कि जो हमारा रोड है उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो हमारा सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सबग्रेड कोर्स होता है तो वहाँ पे मॉइस्चर कितना होना चाहिए। अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो जो लोड है वो सही तरीके से बियर नहीं कर पाएगा, है ना। तो इन्होंने सबग्रेड में मॉइस्चर के कंडीशन के बारे में भी बात की। उसके बाद जो भी हमारा ड्रेनेज था कि रोड का कंस्ट्रक्शन तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन इसके अलावा रोड के कंस्ट्रक्शन में जो भी मतलब पानी है उसका कैसे ड्रेनेज किया जाए, तो इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी बात की कि रोड के कंस्ट्रक्शन के दौरान ड्रेनेज सिस्टम को किस तरीके से वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले रोड में ड्रेनेज की बात किसने की थी तो आप लोग ट्रिसगार्ड का नाम लिखेंगे। क्लियर है बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ट्रेसगार्ड के बाद जो अगला हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ वो हुआ
टेलफोर्ड का, क्लियर है। तो टेलफोर्ड के तहत जो सबग्रेड की विड्थ होती है वो लगभग लगभग 9 मीटर्स की होनी चाहिए, है ना। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो हमारा वियरिंग कोर्स है उनकी इसकी बाइंडिंग लेयर है वो अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर ही थिक होनी चाहिए और जो क्रॉस स्लोप है वो 1:45 होना चाहिए, क्लियर है बच्चों। और इन्होंने बताया कि जो फाउंडेशन है उसकी जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर से भी कम होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 17 सेंटीमीटर एज पे और 22 सेंटीमीटर सेंटर पे होनी चाहिए। तो इनके हिसाब से जो थिकनेस है रोड की वो और कम होनी चाहिए, क्लियर है। इसके बाद सबसे बाद आए सबसे लास्ट में मैकेडम कंस्ट्रक्शन, है ना, जिसको हम लोग अभी भी यूज करते हैं। तो जॉन मैकेडम जो है 1756 लेके 1836 के बीच में थे, इन्होंने क्या किया, एक नया मेथड दिया जिसे हम लोग अभी रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, है ना। ये जो मेथड है अब तक हमने सबने जो भी सारा मेथड पढ़ा है उन सब का ये इम्प्रूव्ड वर्जन है, क्लियर है बच्चों। तो जो जॉन मैकेडम थे ये पहले व्यक्ति थे, पहले आदमी थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि रोड के फाउंडेशन के लिए इतना ज़्यादा हैवी थिकनेस हैवी स्टोन्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर है बच्चों। इनके हिसाब से जो हम लोग स्टोन यूज़ करेंगे उसकी साइज 5 mm से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 10 mm जो हमारी स्टोन होनी चाहिए वो लेस देन 5 mm की होनी चाहिए और जो रोड की थिकनेस होनी चाहिए वो लेस देन 10 cm यूनिफॉर्म थिकनेस 10 सेंटीमीटर के होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि एज पे अलग थिकनेस, सेंटर पे अलग थिकनेस देने की कोई जरूरत नहीं है, जो थिकनेस होगी वो यूनिफॉर्मली 10 सेंटीमीटर की होगी, ऐसा जॉन मैकेडम ने कहा अपने मैकेडम कंस्ट्रक्शन के तहत, क्लियर है बच्चों। द इम्पॉर्टेंस टू सबग्रेड ड्रेनेज, इन्होंने भी ड्रेनेज और कॉम्पैक्शन के बारे में बात की। कॉम्पैक्शन क्यों, कि जो हमारा सबग्रेड लेयर है वहाँ पे जो भी मॉइस्चर है उसको किस तरीके से वहाँ से रिमूव कर सके, तो उसको लिए इन्होंने कॉम्पैक्शन के बारे में बताया कि कॉम्पैक्शन के थ्रू हम लोग वहाँ से मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ड्रेनेज के बारे में भी बात कहा, क्लियर है बच्चों। इनके तहत जो क्रॉस स्लोप होगा सबग्रेड में वो 1:36 होना चाहिए, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ ब्रोकन स्टोन फॉर द टॉप लेयर वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी अंडर एनिमल ड्रॉन व्हीकल। जो टॉप लेयर हमारा होगा उसमें कौन से साइज का स्टोन यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके की एनिमल व्हीकल जो है हम लोग यूज करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी पे, क्लियर है। द पेवमेंट सर्फेस वॉज ऑल्सो गिवेन क्रॉस स्लोप 1:36। जो पेमेंट सरफेस है जो टॉप लेयर है वहां पे भी जो क्रॉस स्लोप होगा वो 1:36 होगा, क्लियर है। जो टोटल थिकनेस है वॉज केप्ट यूनिफॉर्म फ्रॉम एस टू सेंटर इज द 25 वैल्यू। जो थिकनेस होगी वो 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, क्लियर है बच्चों। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड प्लान। जो जैकर कमेटी के तहत जो रोड के फ्यूचर दृष्टिकोण से, है ना, मतलब कि भविष्य के दृष्टिकोण से जो रोड का विकास होगा किस तरीके से होगा, क्या उसकी प्लानिंग होगी, उसी के तहत 20-year रोड प्लान्स को डेवलप किया गया और 20-year रोड प्लान्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा 20-year रोड प्लान्स था इसमें बेसिकली हम लोग 3 रोड प्लान पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा नागपुर रोड प्लान है, उसके बाद बॉम्बे रोड प्लान है, उसके बाद हमारा लखनऊ रोड प्लान है, क्लियर है बच्चों। एक के बाद एक रोड प्लान, जब हमारा नागपुर रोड प्लान कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर हम लोग बॉम्बे रोड प्लान पढ़ेंगे, उसके बाद जब बॉम्बे कंप्लीट हो तब हम लोग नागपुर लखनऊ रोड प्लान के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे रोड प्लान है नागपुर बॉम्बे लखनऊ ये बेसिकली क्या बतलाते हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज जानेंगे। तो ये जो नागपुर रोड प्लान है बच्चों, बॉम्बे रोड प्लान और लखनऊ रोड प्लान, ये बेसिकली रोड के क्लासिफिकेशन के बारे में हमें गाइड करते हैं कि 90 जब हमारा नागपुर रोड प्लान शुरू हुआ था 1943 में, तो 1943 से लेकर के नेक्स्ट जो 20 ईयर 1963, ये 20 साल में जो रोड का विकास हुआ किस किस तरीके से हुआ, किस किस टाइप्स के रोड बने, है ना, उन रोड को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज किया गया, क्या क्या डिज़ाइन को इन्होंने फॉलो किया, उसके बारे में हम लोग नागपुर रोड प्लान के तहत पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा बॉम्बे रोड प्लान था ये काफ़ी सिमिलर टू नागपुर रोड प्लान ही था,
देन आफ्टर हमारा लखनऊ रोड प्लान आया, तो इस लखनऊ रोड प्लान में हम लोग कौन कौन से तरह के रोड प्लान पढ़े, किस किस अलग अलग तरह का रोड का निर्माण हुआ है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि लखनऊ रोड प्लान था, इसमें हम लोगों ने पहली बार एक्सप्रेसवे के बारे में सुना कि एक्सप्रेसवे नाम का भी कोई रोड होता है, उसका निर्माण कराया गया। क्लियर है बच्चों? तो अलग अलग रोड के क्लासिफिकेशन को हम लोग इस 20 ईयर रोड प्लान के तहत समझेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये जो हमारा रोड का क्लासिफिकेशन था 20 ईयर रोड प्लान्स का, इसको सजेस्ट किया था एमआर जैकर ने, जो कि जैकर कमेटी के चीफ थे। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा क्या 20 ईयर रोड प्लान्स। तो आफ्टर द 3 20 ईयर रोड प्लान्स वॉज कम इन टू एग्जिस्टेंस कॉमनली नोन एज द 20 ईयर रोड प्लान्स। तो आप देख सकते हैं कि 20 ईयर रोड प्लान्स के तहत हमारे देश में अलग अलग तरीके के रोड का विकास हुआ, जिसके तहत हम लोगों ने नेशनल हाईवे का नाम सुना, स्टेट हाईवे का नाम सुना, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में पढ़ा, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का नाम सुना, विलेज रोड का नाम सुना, और उसके बाद एक्सप्रेसवे भी बना। तो ये सभी जो इंडिया में रोड अलग अलग टाइप्स के रोड हैं, ये सभी जो रोड है, ये हमारा 20 ईयर रोड प्लान्स के कारण ही अलग अलग टाइप का रोड बना है। क्लियर है बच्चों? तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में ये सभी अलग अलग टाइप्स के रोड के बारे में पढ़ेंगे, नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान एंड लखनऊ रोड प्लान के तहत। क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि हमारा नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान और लखनऊ रोड प्लान क्या होता है। थैंक यू सो मच।